हेलो स्टूडेंट्स, बेटा दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑफ योर चैप्टर दैट इज़ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द चोला किंग्स, चोला डायनेसिटीज जो थी उसके जो रूलर्स थे उसके बारे में। राजा राजा फर्स्ट जो था वो फेमस रूलर था चोला डायनेसिटी का, जो 1985 में किंग बना और उसके बाद उसने ज़्यादा बहुत सारे एरियाज़ पर अपना जो कंट्रोल था वो कर लिया। उसके बाद उसका सन राजेंद्र फर्स्ट जो था उसने भी अपने फादर की ग्लोरी को बनाए रखा और वैसे ही वो भी उतना ही पावरफुल था जितना राजा राजा फर्स्ट था। राजा राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट ने मिलकर जो टेम्पल्स बनाए थे, तंजावर टेम्पल था एक तो, और गंगा कोंदा कुचोलापुरम, ये टेम्पल्स थे। और मतलब ये आर्किटेक्चरल ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के बहुत बड़े एग्जांपल्स माने जाते हैं। ये वाले जो टेम्पल्स थे बेटा, इसके आसपास जो थी वो सेटलमेंट्स थी लोगों की, और ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के बहुत ही जिसको बोल सकते हैं ब्यूटीफुल एग्जांपल माने जाते हैं। अब जो लोग सेटलमेंट करके अपने मतलब सेटलमेंट्स इन टेम्पल्स के पास करते थे, उनके अंदर थे प्रीस्ट थे, गार्लैंड मेकर्स थे मतलब मालाएं बनाने वाले, कुक्स थे, स्वीपर्स थे, म्यूजिशियंस थे एंड डांसर्स थे। ये वाले टेम्पल्स जो थे बेटा वो सिर्फ एक वर्शिप का ही प्लेस नहीं था, मतलब वो एक बहुत बड़े एग्जांपल थे जिसको बोला जाता है, देवर द हब ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। मतलब वहाँ पे जो लोगों की सेटलमेंट्स थी वहाँ पे उनको देखकर उनका कल्चर, उनकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी ये सब पता चलता है। चोला डायनेसिटीज़ की बेटा एक जो मेन फीचर था वो ये था कि वो अपने डाइटीज़ की जो मतलब अपने जो देवी देवताएं देवी देवता थे उनकी जो इमेज थी वो ब्रॉन्ज की बनाते थे। ये जो था ये भी क्राफ्ट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। चोला ब्रॉन्ज इमेज आर स्टिल कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड, अभी भी उनको बेस्ट बोला जाता है वर्ल्ड के अंदर। उनके पीरियड में बेटा जो एग्रीकल्चर है उसकी भी अच्छी डेवलपमेंट हुई थी चोलास के पीरियड में। ऑल दो डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, एग्रीकल्चर जो थी बेटा तमिलनाडु के बहुत सारे पार्ट्स में पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th or 6th century दैट दिस एरिया वॉज ओपन अप फॉर द लार्ज स्केल कल्टिवेशन। अब 5th or 6th century में हुआ था, मतलब चोलास के पीरियड में हुआ था जब लार्ज स्केल पर कल्टिवेशन स्टार्ट हो गई थी। फॉरेस्ट हैज़ टू बी क्लियर हैड टू बी क्लियर इन सम एरियाज वाइल लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन सम अदर रीजन्स। अब फॉरेस्ट क्लियर किए जाने लगे थे खेती के लिए। एम्बैकमेंट्स वर बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लड एंड कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड। इन मैनी एरियाज टू क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर। अ वेराइटी ऑफ मैथड्स लाइक डिगिंग ऑफ वेल्स, प्लेसिंग ह्यूज टैंक्स वर यूज फॉर इरीगेशन। ये मैथड जो थे डिगिंग ऑफ वेल मतलब खोदा कुएँ खोदना, ये सब जो थे इरीगेशन के लिए किए जाते थे, बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते थे। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज़। मतलब मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स, ज़्यादातर जो न्यू रूलर्स थे वो इन सब एक्टिविटीज़ में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी बेटा वो भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई थी, और द सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स ग्रू प्रोस्पिशियस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर। अब और जो था बेटा वो पीजेंट्स की सेटलमेंट्स को अर बोला जाता था, वो भी अच्छी हो गई थी क्योंकि एग्रीकल्चर का वर्क जो था वो बहुत अच्छा था। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडू, परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। अब ग्रुप ऑफ सच विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस मिलकर एक ग्रुप बनाते थे, उस यूनिट को बोला जाता था नाडू। अब वो मिलकर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते थे जैसे जस्टिस देना मतलब फैसले करना और कलेक्टिंग टैक्सेस। रिच पीजेंट्स ऑफ द विलाला कास्ट कंट्रोल्ड ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। अब रिच पीजेंट्स जो होते थे
वो कंट्रोल करते थे, कंट्रोल्ड ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। मतलब जो भी काम होता था वो मिलकर करते थे, रिच पीजेंट जो होते थे उनको दिए गए थे सुपरविजन का काम। और वो किसकी सुपरविजन में ये सब काम करते थे, वो चोला गवर्नमेंट की सुपरविजन में ये सब काम करते थे। सम रिच लैंड ऑनर्स वर ऑनर्ड टाइटल्स लाइक वेंदावेलन, अवेलन और पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स, अरियार चीफ एटसेट्रा, एंड दे वर ऑल्सो एंट्रस्टेड विद इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। कुछ ऐसे बेटा लैंड ऑनर्स थे बड़े बड़े जिनके पास बहुत अच्छा पैसा होता था, रिच थे, उनको कुछ टाइटल्स दिए गए थे जैसे वेंदावेलन और अरियार, एंड दे वर ऑल्सो एंट्रस्टेड, मतलब वो जो इम्पॉर्टेंट काम थे स्टेट से रिलेटेड और सेंटर से रिलेटेड वो लोग संभालते थे। एज ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मा दया, अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स अमर्ज्ड इन द कावेरी वैली एंड एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। ईच ब्रह्मदे वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंडलॉर्ड्स विच वर्कड एफिशियंटली। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस ऑन द स्टोन ऑफ वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। ब्राह्मण्स जो होते थे बेटा उनको दान में लैंड्स दिए जाते थे जिसको ब्रह्मदया भी बोलते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स अमर्ज्ड इन द कावेरी वैली। धीरे धीरे क्या था बेटा, इंडिया के साउथ साइड पे और कावेरी वैली में ब्राह्मण्स के सेटलमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी। ईच ब्रह्मदया वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली ऑफ सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स विच वर्कड एफिशियंटली। हर एक ब्रह्मदेय जो था बेटा उसको एक ब्राह्मणों की जो असेंबली थी, सभा थी, वो देखती थी। देयर डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन द डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस ऑन द स्टोन ऑफ वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। उनके जो डिसीजंस होते थे बेटा उनको रिकॉर्ड करके जो वॉल्स थी टेम्पल्स की उसके ऊपर राइट करवाया जाता था। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागराम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। ट्रेडर्स की जो एसोसिएशन थी उसको नागराम्स बोला जाता था और वो भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो थे उसको देखते थे। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरामेरर इन चिंगलापुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु टेल अस द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज। अब बेटा इंस्क्रिप्शन राइट की गई है उत्तर मेरठ के तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में, जो ये बताती है टेल अस द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज। उसे ये पता चलता है कि सभा जो थी वो कैसे ऑर्गेनाइज होती थी, क्या वे था उसका ऑर्गेनाइज होने का। देयर वर सेपरेट कमेटीज टू लुक आफ्टर डिफरेंट वर्क्स लाइक दैट ऑफ इरीगेशन टेम्पल एटसेट्रा। अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई थी बेटा अलग अलग वर्क को देखने के लिए। द एलोकेशन ऑफ वर्क वॉज डिसाइडेड थ्रू अ लॉटरी सिस्टम। और बेटा जो वर्क अलॉट किया जाता था उसके लिए लॉटरी सिस्टम किया जाता था कि लॉटरी डाली जाती थी कि किसको क्या वर्क देना है।